ऐसे 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? होपली आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। देखो मेरे घर से बालकनी से सनसेट का नज़ारा दिखाई दे रहा हूँ आपको, शायद नहीं दिखाई दे रहा यार, नहीं दे रहा ना, सॉरी नहीं दे रहा है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। हाँ, किसी का भी, मम्मी पापा, बहन भाई, दोस्त, और हाँ वो यानी वो तो फ्रेंड्स, हाँ उसका दिल जीत सकते हो। और वो ये है, और सच में आप यकीन करना मेरी बात का, ये मेरा आजमाया हुआ है। और वैसे तो देखो, रियल होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियो में हर एक चीज़ रियल दिखाती हूँ, आपको पता है। और आप कभी फेस टू फेस मिलोगे, मैं इसी तरह से बात करती हूँ, ठीक है? अगर आप रियल होगे तो कोई भी बंदा या बंदी आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। तो मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ आपको, और वो ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो सबसे पहले उसकी रियल वाली तारीफ कीजिए। हाँ, जैसे हर बंदे में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो खूबी होती है ना, हर इंसान में कुछ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो उसकी वो अच्छाई पकड़ के चलो जो उसके अंदर है, हैं? झूठी तारीफ करने वाले के लिए तो दुनिया भरी हुई है ना, झूठी तारीफ तो कोई भी कर देता है। और जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, मेरे बारे में आप लोग कुछ बोलोगे तो भैया इतनी तो मुझे समझ पड़ेगी, आप लोग फेकम फाके कर रहे हो, मेरे को आसमान पर चढ़ा रहे हो, है ना। तो जब भी किसी की तारीफ़ करो, उस बंदे की तारीफ़ करो तो रियल वाली तारीफ़ करो जो उसी के अंदर हकीकत में है, ठीक है? नंबर 2, वो ये है कि हमेशा उसके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में खड़े रहो, उसको हमेशा सही सजेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपको उससे कुछ काम लेना है या ऐसा ही, तो आप कुछ भी उसको बोल दो, नहीं नहीं, उसको सही सजेस्ट करो, उसका दिल जीतो। यानी एक बोलते हैं ना कि सही सजेस्ट करके, भैया अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन बाद में तुम्हारे लिए एक ऐसा अच्छा होगा, ऐसा तो उसको सही सजेस्ट करोगे तो एक टाइम बाद में उसको पता चलेगा। अगर वो उस पर नहीं भी जाएगा, आपने जो बात बोली है उस पर वो नहीं भी जाएगा, तो अगर रॉन्ग साइड जाएगा तो फिर बाद में उसके साथ बुरा होगा, तो उसको हाँ मेरे फ्रेंड ने तो ऐसा बोला था, खास मैं उसकी बात मानता हूँ, समझ में आया? और नंबर 3, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि उसका ट्रस्ट जीतो। फ्रेंड्स, ट्रस्ट यानी उसको आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी आंखें बंद करके आप पे विश्वास करें, है ना। तो ये है मेरे टिप्स, याद है ना, ये 3 आप फॉलो करके देखो, आप किसी भी लड़का लड़की फ्रेंड्स किसी का भी आप दिल जीत लोगे। और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ऐसे हमारे साथ बने रहना। अभी तक हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मैं ऐसी छोटी मोटी ऐसी खट्टी मीठी बातें मेरे YouTube फैमिली के लिए लाती रहती हूँ, छोटे छोटे व्लॉग लाती हूँ, शॉर्ट लाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपके माइंड में अगर कोई गाना हो जिस पे आप शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो मेरे को सजेस्ट करना, मेरे को लिख के देना, मैं उस गाने पे शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? और अभी अंधेरा होने वाला है तो फ्रेंड्स, मेरी ये बात से आप करके देखना, और इंशाल्लाह मैं तो ये कहूँगी हमेशा हमारी किसी से भी दोस्ती हो, जो भी हो, अल्लाह हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करे और हमें बने रहे। और ऐसा नहीं है कि किसी से काम में लेने के लिए ही हम उसका साथ दिया, नहीं, इंसानियत के नाते भी हमेशा किसी के बुरे वक्त में साथ देने का, अच्छे वक्त में तो भैया दावत खाने हर कोई आ जाता है, ठीक है? जब मेरी चलेगी ना तो देखना, आप भी आओगे, अभी कमेंट नहीं कर रहे हो ना, फोटोग्राफी बनाओ। चलो खैर, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है? मेरा मित्र चिल्ला रहा है, रात भी होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, और आप ऐसा करके देखना, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। के बर्ड्स के लिए खाना पानी रख देना, उनकी दुआएं लगेगी, लेबर के अंदर उनकी दुआएं लगेंगी, आपको कामयाबी मिलेगी। बेजुबान यार, बेजुबान होता है, थोड़ा सा खाना पानी हम रख देंगे तो क्या पता कौन सा दाना कौन सा पंछी हमारा किस्मत खुल जाए, कोई बात नहीं। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।